नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त तो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। लखनऊ में थाना सुशांत गोल्ड सिटी के क्रिस्टल अपार्टमेंट में रिया गुप्ता नाम की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि रिया कैंट थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। वही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अमेठी में थाना बाजार शुक्ल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। अमेठी में थाना गौरीगंज पुलिस ने विशाल नाम आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 34 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ। अमेठी में आबकारी टीम ने थाना क्षेत्र मुसाफिर खाना के गांव निजामुद्दीन पर और गुनैया में दबिश दी। इस दौरान 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और 325 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया गया। अयोध्या जिले के तिकोनिया पार्क में एक बुजुर्ग अपनी बहू के साथ धरने पर बैठ गया। दरअसल बुजुर्ग के बेटे का कत्ल कर दिया गया था और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। अयोध्या में थाना बाबा बाजार के ग्राम सभा उमापुर में शिव मूर्ति नाम के शख्स ने अपनी पत्नी पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिससे वो खासा परेशान है। रामपुर में बिलासपुर कोतवाली के चकफेरी गांव में पिता और बेटी के झगड़े में एक सफाई कर्मी की हत्या हो गई। दरअसल ये सफाई कर्मी झगड़े में बीच बचाव कराने गया था। जौनपुर की थाना जफराबाद पुलिस ने 25,000 के इनामी शातिर पशु तस्कर अकबर खलीफा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया है। जौनपुर में पुलिस से मारपीट करने वाले आरोपी सुरेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल थाना बरसठी पुलिस टीम वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां सुरेश यादव ने पुलिस के साथ मारपीट की थी। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।